हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट पर किस पर दांव खेलेगी बीजेपी? क्या हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक और गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत का कटेगा टिकट? बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 2 पर सस्पेंस बरकरार है। इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की भी चर्चाएं हैं। यही वजह है कि टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। टिकट के लिए दावेदारों के साथ ही उनके समर्थकों की ओर से दिल्ली तक फोन घनघनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व वर्तमान में 2 पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस बार पार्टी इन पर ही भरोसा करेगी या फिर नए चेहरों को मैदान में उतारेगी, ये चर्चा हर किसी की जुबान पर है। चर्चा ये भी है कि अगर पार्टी को वर्तमान सांसदों पर भरोसा होता तो पहली सूची में ही इन दोनों सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाते। हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर कई दिग्गजों की नजर। अगर हरिद्वार सीट की बात करें तो 2 बार से अभी इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं। इस लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर कई दिग्गजों की नजर है। यही वजह है कि पार्टी हाईकमान टिकट तय करने से पहले हर किसी के नाम पर विचार कर रही है। हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, यतीश्वर नंद ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसे में इस बार रमेश पोखरियाल निशंक को टिकट मिलना मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं गढ़वाल लोकसभा सीट की। इस सीट से वर्तमान में तीरथ सिंह रावत सांसद हैं। तीरथ को एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी मिला, लेकिन जिस चौंकाने वाले अंदाज में वो सीएम बने, उसी अंदाज में उनकी सीएम पद से विदाई भी हो गई। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी गढ़वाल सीट पर तेजी से उछला है। त्रिवेंद्र की हरिद्वार और गढ़वाल दोनों सीटों से दावेदारी है। इस बीच चर्चा ये भी है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के कुछ बड़े नेताओं से इन दोनों सीटों के संबंध में एक बार फिर फीडबैक लिया है। ऐसे में अब सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं कि केंद्रीय नेतृत्व इन सीटों के संबंध में क्या निर्णय लेता है और किसको मैदान में उतारता है। प्रत्याशी जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को दिए हैं। अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी 2 प्रत्याशियों का भी ऐलान होगा, हरिद्वार और पौड़ी सीट का। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है पूरे मैदान पर, जमीनी स्तर पर बहुत ही पुख्ता तैयारी है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हर बूथ और हर विधानसभा 50% से अधिक मतों से जीते। इसमें 50% से ऊपर जीतने का पार्टी ने पूरे उत्तराखंड को टारगेट दिया कार्यकर्ताओं को, और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि उसमें हम सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।